बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दौरा मनसूख करने पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आयन वाट मोड ने पाकिस्तानियों से माफी मांगते हुए पैगाम जारी कर दिया, जबकि इसके अलावा मुकम्मल सीरीज का भी फैसला क्या है आज की ज़ेर नज़र वीडियो में आप भाइयों को इसी बारे में बताएंगे, मगर मजीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट सेक्शन में आप भाई इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर करें। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आयन वाट मोड ने दौरा मनसूख करने पर पाकिस्तान से माजरत की है। तफसीलात के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जोर देते हुए कहा कि फैसले से पाकिस्तान समेत क्रिकेट फैन से माजरत ख्वाह हूँ। दौरा मनसूखी के फैसले के लिए खिलाड़ियों से मशवरा नहीं किया गया। मुझे अफसोस है कि फैसले से पाकिस्तान में लोग मायूस हुए। बोर्ड ने जो फैसला किया वो बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारी पहली तरजीह खिलाड़ियों की हिफाजत और ज़हनी हालत है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नए सिरे से बनाने हैं। हमें 2022 के दौरे के हवाले से दोबारा फोकस करना होगा। पाकिस्तान के मशहूर है कि वो गुज़िश्ता बरस इंग्लैंड आए। उन्होंने इसरार किया कि इंग्लैंड अगले मौसम सरमा में 3 टेस्ट और 5 एक रोजा बैन अवी मैचों पर मुश्तमिल मुकम्मल दौरे का अहद करेगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंग्लैंड की इसमें शमूलियत उस वक्त तक शकोक व शुबात का शिकार रहेगी जब तक जुई रूट की टीम 6 नवंबर को ब्रिस्बेन के लिए रवाना नहीं हो जाती। चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के तमाम तर तवज्जो इस वक्त एशेज सीरीज पर है, जबकि ईसीबी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मौसूल होने वाली शरायत और क्वारंटीना के जवाबत का जायजा ले रहा है। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जाहिर की कि मुमकिन तौर पर इंग्लैंड स्क्वाड और दौरे से मुतालिक हतमी फैसला इसी हफ्ते में हो जाएगा। इंग्लैंड की टीम 2 हिस्सों में सफर करेगी। दोस्तों, जिस तरह आयन वाट बोर्ड ने कहा कि हम 2022 में पाकिस्तान का दौरा करेंगे, वहाँ वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेंगे। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानियों से माफी भी मांगी। क्या आयन वाट मोड माफी के मुस्तैक है या नहीं, इस हवाले से कमेंट सेक्शन आपके कमेंट्स का मंतजर रहेगा।